चलिए एक बार हम सब लोग जोर से जयकारा करेंगे, ठीक है ना भाई? थोड़ा सा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जोर से बोलिए, हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में आपके प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के और चंदन क्यारी से विधायक और पूर्व झारखंड सरकार में मंत्री श्री अमर कुमार बावरी जी और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधायक कांके से रहे श्री जीतू चरण राम जी और झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी और पलामू से रहे पूर्व सांसद लातेहार से रहे पूर्व विधायक श्री ब्रजमोहन राम जी और सिमरिया के विधायक श्री किशुन दास जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा पासवान जी, ध्रुव कुमार हारी जी, महामंत्री रंजन भारती जी, रंजन पासवान जी, प्रदेश के प्रवक्ता जीतन राम जी, शंकर राजक जी, राजेश जी, श्री गौराचंद बावरी जी, धनबाद जिला के अध्यक्ष और रामगढ़ के श्री विनोद कुमार जी, धनबाद ग्रामीण के प्रकाश बावरी जी, महेंद्र राम जी, विशाल बाल्मीकि जी, रामदेव जी और तमाम और बटेश्वर मेहता जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो आज अपनी ओर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव दिवस के रूप में एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाने का संकल्प किया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जब जमशेदपुर में कार्य समिति की बैठक हुई उसी समय योजना को तय किया था कि हमें पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को मनाना है। और आज वास्तव में कल पता चला पलामू में था जहां प्रदेश के अध्यक्ष गए हुए थे और आज आपके बीच में यहां उपस्थित। वास्तव में ये कार्यक्रम यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप सब लोगों के बीच में बता रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भुलाने की लोगों ने कोशिश की। जो लोग सत्ता पर थे उन लोगों ने कभी अपने परिवार को छोड़ करके देश में और भी लोगों का योगदान था उनको लोगों ने धीरे धीरे करके भुलाने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने देश के लिए काम किया हो उनको कौन भला भुला सकता है। उनके लिए तो कोई ना कोई ऐसे सपूत इस देश में पैदा होंगे जो उनको देश ही नहीं बल्कि युगों युगों तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो हजार हमार एक एक लोगों के जन जन में और वो समाज आएंगे। और वो व्यक्ति वास्तव में जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस प्रकार से लोग चर्चा करते हैं, ये दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, यानी तरह तरह की। लेकिन अगर आज अगर आप देखें तो इस देश के अंदर में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया और जन जन तक आज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके योगदान उनकी कृति को जन जन तक पहुंचाने का कोई काम कर रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी करे, दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही। देश तो 1947 में आजाद हुआ, आजादी के बाद
संविधान का निर्माण तो 26 नवंबर 1949 को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिख करके सौंप दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। लेकिन उस महापुरुष का पार्लियामेंट में एक चित्र लगे इसकी भी कभी किसी ने कोई शुद्धि नहीं ली, क्योंकि वर्षों तक किसकी सरकार थी जो अपने आप को दलितों के सबसे बड़े हितैषी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी चिंता नहीं की। लेकिन जब इस देश में जब अवसर मिला भारतीय जनसंघ के सहयोग से, अटल जी अडवाणी जी के सहयोग से, उस समय जब सरकार बनी जनता पार्टी, क्या कहते हैं ये, वीपी सिंह के नेतृत्व में, उस समय देश के पार्लियामेंट पर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई गई। आप सोचिए कितना चिंता का विषय है, किसी ने कभी कोई चिंता नहीं की। और संविधान दिवस को तो लोग भूल ही गए थे, बता नहीं, हम 26 जनवरी को तो मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन जिन्होंने लिख करके जो समिट की थी, जमा किए थे 26 नवंबर 1949 को, उस दिन को लोग बुला दिए इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना पड़ेगा। लेकिन देश के आज जो प्रधानमंत्री गुजरात में, जब वो मुख्यमंत्री थे उसी समय, कहते हैं कि भारत के जो संविधान जिस दिन तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, और संविधान दिवस वहां से उन्होंने मनाना शुरू किया। उस समय तो संविधान को हाथी में बैठा करके और अपने लाखों लोगों के साथ पैदल देश के प्रधानमंत्री जो आज राज्य के देश के हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय से उन्होंने प्रारंभ किया था। और जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो भी आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जिसका जिस कांग्रेस पार्टी ने जब उनकी सरकार थी, और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु होती है, तो दिल्ली में उनके लिए 6 एकड़ जमीन भी नहीं दी गई। और आज तो देश के प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए, कहते हैं प्रधानमंत्री के अंबेडकर जी के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए, जहां लंदन में भी जा करके जिस भवन में रह करके पढ़े थे, वो देश के जब बीजेपी की सरकार बनी तो इसके सहयोग से वहां भी उस जमीन को, उस घर को खरीद करके वहां भी आज बना दिया गया। आज देश से जब जाते जाते हैं तो उसको भी जगह, जिसको पांच तीर्थों में जो गिना गया है उसमें वहां भी जगह, और उतना ही नहीं, दिल्ली में जहां अंतिम सांसें ली थी वहां भी जगह बना दी गई। जिसको बनाया था जीर्णशीर्ण अवस्था में था, उसको भी आप, जिसको कहते हैं चाहे वो जन्मभूमि हो, कर्म भूमि हो, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे वो मुंबई जहां पर उनके अंतिम संस्कार हुए, तो उन सारी भूमियों को जिस प्रकार से आज देश के प्रधानमंत्री ने, जिनको आप सोच सकते हैं जहां पर उस समय की सरकार जब अंबेडकर जी जीवित थे और उन्होंने जो काम किया, उनके देहांत के बाद उनके लिए कितनी जमीन होती थी, थोड़ा सा ही तो जमीन की जरूरत ही नहीं दिया था। और मैं समझता हूं कि जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जी की जो देशभक्ति थी, राष्ट्र प्रेम था, वो किसी से कम नहीं था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उनकी देशभक्ति कुट कुट करके भरी हुई थी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने विदेश में जाकर के पढ़ाई की और एक दो नहीं शायद इतनी डिग्री प्राप्त की थी, भारतवर्ष में तो क्या दुनिया में इन्हें गिने लोग ही थे जितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता। और चाहते तो विदेश में जाकर के वो बस जाते थे, भारत में तो उनको बहुत सारे तिरस्कार मिला था। कोई भी व्यक्ति सोचते हैं जहां पर इतनी तिरस्कार मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, वहां कोई रहना पसंद करते हैं क्या? सामान्य व्यक्ति तो वहां से छोड़ करके चले जाते हैं। जहां वो पढ़ लिख गए उस समय उतनी तो उसे कई एक लाख की उनको नौकरी वहीं मिल जाती और पूरे खंडार वहीं रह जाते। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो देश प्रेम था, उन्होंने उस यातना भरी जीवन को उन्होंने अपना मूल ये नहीं बनाया, और देश की खातिर वो विदेश से पढ़ लिख करके फिर वापस भारत आए, ये उनकी देशभक्ति का अटूट निशानी है। अब जरा सोचो, जो इतना बड़ा देशभक्त हो बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी,
और उनके लिए दिल्ली में छोटी सी जमीन नहीं, जगह नहीं, उनकी अपने ने उनके पूर्वजों के साथ इतना तिरस्कार हुआ हो और उसके बाद भी उन्होंने इतने पढ़ लिख करके दुनिया के उन देशों में, आज तो बच्चे जाकर के पढ़ते इंग्लैंड अमेरिका में, हमारे कई एक मित्र के बदल बच्चों को देखते हैं फिर तो लौट के लोग आते नहीं है, जबकि यहाँ भी उनके सामने कोई आज के तारीख में कोई अपमान की ये नहीं होती है। लेकिन जो कि लोग कहते हैं कि अमेरिका सबसे अच्छा, इंग्लैंड सबसे अच्छा, यूरोप में, आज भी पैसे वाले लोग जाकर के कहाँ बसना चाहते हैं, सब इंग्लैंड में बसना चाहते हैं, लंदन में बसना चाहते हैं, अमेरिका में बसना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी चाहते तो उनके लिए क्या कमी थी, इतनी सारे योग्यता, इतने पढ़े लिखे थे, वहीं पढ़े थे, वहीं नौकरी मिल जाती, वहीं रह जाते, लेकिन उन्होंने वहां रहना पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया? एक तो देश के प्रति उनका प्रेम था, उस देश प्रेम ने उनको भारत वापस लाया और देश की सेवा में लगे। और दूसरा क्या था, समाज के अंदर में जो व्याप्त बुराई थी, जो अपने समाज को तिरस्कृत करते हुए उन्होंने देखा था, इस बुराई को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वो एक देशभक्त के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। और उन्होंने इस काम को, आप देखें कि भारत का जब संविधान लिखा गया, उस ड्राफ्टिंग कमिटी के वो चेयरमैन उनको बनाया गया, तो कभी भी कहीं भी उनके वक्तव्यों में आपको ये समाज की तिरस्कार का गुस्सा नहीं दिखाई पड़ता। सब में संविधान में और समानता का ही वो बात की, उन्होंने किसी समाज के प्रति कोई दुर्भावना को उन्होंने फैलाने की कभी कोशिश नहीं की। तो ये देखता है, ये दर्शाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी समाज सुधारक थे और समाज में जो व्याप्त बुराई थे उसको वो दूर करना चाहते थे। उस बुराई से लड़ने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया। और जो लोग ये कहते हैं कि वे दलितों के हितैषी की बात करते, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़े तो उनके हराने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे, और उस समय जिसे लोग कहते हैं ना कि आरएसएस या बीजेपी वाले विरोधी है, उस समय तो जनसंघ थे, लेकिन उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो मजदूर संघ के बहुत बड़े नेता थे आरएसएस के दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनके चुनाव के क्या कहते हैं अभिकर्ता उस समय हुआ करते थे। तो कहने का मेरा अर्थ इतना ही था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान निर्माण का ही नहीं बल्कि एक देशभक्त भी थे और एक समाज सुधारक भी थे। और संविधान को जिस प्रकार से उन्होंने लिखा वास्तव में अद्भुत है। और आज जिसे ये बता रहे थे कि भाई सबको समान अधिकार मिला, अब उस समय तो राजा महारानी के पेट से पैदा होते थे, लेकिन अब तो राजा देश के हर बालिक नागरिक अपने से बनाते हैं। ये अधिकार किसी ने दिया, चाहे नर महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी घर में पैदा लियो, चाहे बड़े से बड़े अमीर के, चाहे टाटा बिड़ला अडानी अंबानी, सबका वोट का महत्व बराबर है। चाहे हम सब यहाँ बैठे हुए जो भी बालिक है, सबका मत बराबर है। सब मिल करके हम देश चलाने के लिए सरकार चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। अगर ये अधिकार किसी ने दिया है तो डॉक्टर साहब ने दिया, भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। ये बहुत, और इसलिए हम सब लोगों को यह मानना कि भाई आज हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो एक ही है कि भाई आज के तारीख में अगर देश का कोई एक धर्म ग्रंथ जिसको कहते हैं अपने लिए क्या है कि भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान है, आज उसी के संविधान के अनुसार सब कुछ चलता है, देश का विधान चलता है, शासन चलता है, न्यायपालिका चलता है, और उस संविधान के विरोध अगर कोई भी आज काम करते हैं तो वो अपराधी होते हैं, उनको दंड दिया जाता है। तो ये अधिकार अगर किसी ने हमें दिया है तो डॉक्टर साहब ने हम सबको दिया, और इसलिए हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि डॉक्टर साहब के उन कृति को हमें गांव गांव तक पहुंचाना, एक एक लोगों के दिलों तक पहुंचाना, कि आज के तारीख में ये हम सब लोगों के लिए जरूरी है।
क्योंकि आज देश को स्वतंत्र भी बनाए रखना जरूरी। आज तो बहुत सारे लोग देश की स्वतंत्रता को किस प्रकार से आज भी कह सकते हैं, जैसे अभी आपको बता रहे थे भाई 370 तो अभी देश में मोदी जी ने समाप्त की। बहुत लोग समझते हैं 370 क्या होता है नहीं पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो भी दलित रहते थे उनको आजादी नहीं मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर के जितने भी जो दलित रहते थे उनका काम सिर्फ गट्टर सफाई करना, उनके बाल बच्चे सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाते थे, वो लोग एमएलए एमपी में भी नहीं खड़े हो पाते थे। लेकिन हम भारत के लोगों को हमें पता नहीं था कि हम वहां पर हमारे दलित भाई रहते हैं, भारत का वो हिस्सा है, लेकिन वहां पर हमारे दलित भाइयों के साथ क्या स्थिति थी, किस प्रकार के वो जीवन जीते थे आप सोच सकते हो। लेकिन देश में जब बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो नहीं, इसके बाद फिर से जब दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने तो 370 और 35 ये समाप्त कर दिया। और भारत में जिस प्रकार से दलितों का हक झारखंड में मिलता है, जिस प्रकार से देश के अन्य राज्यों में दलितों को अधिकार प्राप्त है, अब उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी हमारे दलित भाई और बहनों को अधिकार अगर किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जरा सोचो कि आजाद भारत में इतनी लंबी समय तक किसी ने कोई कभी चिंता नहीं की कि वहां भी दलित लोग रहते हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए, उनके बाल बच्चे भी पढ़ लिख करके अफसर बने, डॉक्टर बने, पढ़ लिख करके वो भी सत्ता में भागीदारी कर सके। लेकिन कभी भी किसी ने उसको चिंता नहीं की जो बड़े बड़े लोग बातें करते, और वहां जो सत्ता में बैठे हुए जो हिंदू मुस्लिम और क्या कहते हैं दलितों की एकता की बात करते, लेकिन उन लोगों ने भी कभी ये आवाज नहीं उठाई उन दलितों को वहां अधिकार मिलना चाहिए, इतने भी लोग साहस नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन आपके द्वारा आपने जब 2014 में 2019 में अब ऐसी सरकार आपने चुनी जो आपकी अधिकार को सुरक्षित नहीं, आपकी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दुनिया के रंगमंच पर ही नहीं फिर से स्थापित करने का काम ही नहीं, बल्कि दलितों को फिर से जो हक जहां नहीं मिला हुआ था उस हक को भी दिलाया, तो ये बहुत बड़ी काम है। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा कि आज जो ये संविधान दिवस है, इस दिवस के अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना है कि हमें देश की स्वतंत्रता, देश की आजादी को बनाए रखना, देश के संविधान को बचाए रखना, तभी हम सब गरीबों का भला होगा। आप जरा सोचिए 1947 के पहले इस देश के अंदर में दलित और हमारे जैसे गरीबों कहां कोई सत्ता में थे, कौन राजा महाराजा थे, कहीं भी सूची में तो हम देखते हैं 567 जो रियासत को मिलाए गए, जो उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उस 567 रियासत में आदिवासी और दलितों का रियासत तो शायद ही नहीं दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। लेकिन आप देश जब स्वतंत्र हुआ आपको भारत के मंत्रिमंडल में जो देश का संचालन कर रहे हैं उसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि आप तो कितना 14, 12 दलित वर्ग के हमारे बच्चे मंत्री है, और 8-8 की संख्या में क्या कहते हैं ST आदिवासी मंत्री है वहां भारत के मंत्रिमंडल में। तो मैं इसलिए इस बात को यह कह रहा था कि संविधान को बचाए रखना, भारत की लोकतंत्र को बनाए रखना हम लोगों के लिए तो सबसे अधिक जरूरी है। और आज अगर लोकतंत्र है, आज अगर संविधान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तब हम सब लोग यहां खड़े हुए, यहां ये विधायक हैं, कभी मंत्री थे हम, कभी मुख्यमंत्री थे, तो कहने का अर्थ ये है कि आज अगर हमारा संविधान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो दिया देश की आजादी के लिए, जिन स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ा, अगर उस स्वतंत्रता को बनाए रखना, उस संविधान को बनाए रखना, ये हम सब लोगों की दोहरी जिम्मेवारी है। और इस काम को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से देश के एक एक दलितों के दिलों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, देश के संविधान, लोकतंत्र
और आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो किस प्रकार से काम कर रही है, उन बातों को लेकर के आज जगह जगह जा रहे हैं। आप सब लोगों से यही निवेदन है, यही अपील है, आप सब संगठन को मजबूत करना, आप सब जुड़ेंगे। आप देखें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो समानता की बात की, लेकिन उन समानता की बात को भी किसने पूरा कर रहे हैं? आजादी के इतने वर्षों तक गांव घरों तक बिजली नहीं पहुंची हुई थी, गरीबों के घरों तक, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को भी किया। आज घरों में जहां समानता की बातें होती है, शौचालय तक नहीं था, सबसे गरीब उससे अधिक पीड़ित होते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको भी अभियान लेकर के कि हर घर में लोगों के यहाँ शौचालय बने ताकि हर की इज्जत अबरो सुरक्षित रहे, इसकी चिंता कर रहे। हम समानता की बातें तो वर्षों से होती है, संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिख डाला, लेकिन समानता को लाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं की। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके आयुष्मान भारत योजना के तहत ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी 5 लाख रुपया तक के इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जा सके। आज भी देश में करोड़ों लोगों के पास घर नहीं था, छत नहीं था, यानी खुले में ऐसे ही लोग रहते थे, उनके बारे में कभी किसी ने कोई चिंता नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उसके लिए भी चिंता की कि हमें उन लोगों के लिए भी आवास बनाना, और अभी तक केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ ऐसे आवास बना करके लोगों को दिया और ये अभियान चल भी रहा है। मैं इसलिए इन बातों को थोड़ी सी मैं आप सबके समझ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहब को सबसे प्रिय थे कि देश की स्वतंत्रता की गारंटी और क्या कहते हैं इसको समानता की, बंधुता की, ये जो सारे चीजें उस संविधान में जो उन्होंने जोड़े हैं और उसको कभी किसी ने कोई पूरा करने की कोशिश नहीं की, अगर इसको कोई पूरा कर रहे हैं आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा करने में लगे हुए, ताकि जो न्यूनतम जो जरूरत की चीजें हैं जो लोगों को एक समानता ला सकती है, उन कामों को भारत की जो आज प्रधानमंत्री उसको पूरा कर रही है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, आप सब आए हैं इतनी तादाद में, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद सर, एक बार जोरदार से बाबूलाल मरांडे जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।